आ, आ, तो लास्ट टाइम हम लोग स्टेट स्पेस के ऊपर काम कर रहे थे थोड़ा सा तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा इन ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टेट स्पेस मॉडल अगर आप लोगों के पास गिवन हो राइट स्टेट स्पेस मॉडल गिवन का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स डी ये चीज़ें भी इंफॉर्मेशन होंगी और इसके साथ ये जो वेक्टर के मैट्रिक्स हैं x, u c e x, y और x डॉट इसका ये चीज़ें भी आपके पास गिवन होंगी अगर आपके पास ये चीज़ें दी हुई हों ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ अभी अच्छा तो सबसे पहले देखो x डॉट इज़िकल टू एक्स प्लस बी यू यह आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी स्टेट स्पेस की ठीक और इसी तरह इसकी जो आउटपुट है वाई ऑफ टी इज इक्ल टू सी एक्स प्लस डी यू ये भी आप लोगों को पता है अब आपने सबसे पहले क्या करना है आपने आ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इक्वेशन वन इसका लिया लैपलास ठीक ये आपको पता है टाइम डोमेन में है मैट्रिस फॉर्म में है तो ट्रांसफर फंक्शन लैपलास डोमेन में होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट बोथ इन लैपलास डोमेन वो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होता है तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही करता हूँ ज़्यादा इसका ना लैपलास ले देता हूँ तो लैपलास देने के बाद क्या हुआ एस इंटू एक्स ऑफ एस इक्वल टू एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस ये चूंकि आपके पास डेरीवेटिव था तो ये जो है ना यहाँ पर एस इंटू एक्स ऑफ एस हो गया ये सिंपल है तो ये सिपल एक्स ऑफ एस इस ये यू ऑफ एस बी ए आपके पास है उसके बाद क्या हुआ ए एक्स ऑफ एस जो है ना इसको मैंने इस साइड पे लेके आया और एक्स ऑफ एस इसमें से निकाल लिया कॉमन ठीक है एक्सक्यूज मी जा ये बंद कर दूँ ओके तो एक्स ऑफ एस जब इसमें से मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ एस आई माइनस ए आई आपके पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे b इंटू यू ऑफ एस आ गया सिंपली जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं और उसके बाद क्या हुआ ये एस आई माइनस ए इस साइड पे आपको पता है मेट्रिक में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते ठीक है तो आप फिर क्या करेंगे आप एस आई माइनस ए का इनवर्स दोनों साइडों पर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एस आई माइनस ए का एनवर्स आ जाएगा बी यू ऑफ एस के साथ और यहाँ से जो है ना ये एस आई माइनस ए और एस आई माइनस ए का एनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है एस आई माइनस ए बी यू ऑफ़ एस के लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर भी आपने लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के मसले होते हैं मेटिस में तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है यहाँ पर एनी हम तो सिर्फ एक डेरीवेशन करें आ, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है कि मेडिस में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी वाला इशू होता है चलें ठीक है यहाँ तक जब आप आ गए इसके बाद अब ये एक्स ऑफ एस की आप एक वैल्यू निकाल चुके हैं राइट अब ये जो आउटपुट इक्वेशन थी हमारे पास वाई ऑफ टी वाली अब ऐसा करते हैं अब जरा इसका लैब लाश ले लेते हैं ठीक ये हो गया आपके पास वाई ऑफ एस यहाँ पे सी एक्स ऑफ एस डी यू ऑफ एस ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो एक्स एक्स ऑफ एस है ये वाली एक्स ऑफ एस की वैल्यू मैं इस वाई वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ ठीक यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वाई ऑफ एस इक्वल टू सी इंटू ये सारा का सारा जो है एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू ऑफ एस तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरह से ये आप देख सकते हैं वाई ऑफ एस इक्वल टू सी एस आई माइनस ए का इनवर्स प्लस बी यू एफ एस प्लस डी यू एफ एस ये इस तरह से आ गया आपके पास आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अब इन दोनों इक्वेशन में से जो यू एफ एस है ना वो मैंने निकाल लिया कॉमन ठीक यू एफ एस आप देख सकते हैं इधर कॉमन आ चुका है और वाई ऑफ एस डिवाइड बाई यू एफ एस वाई ऑफ एस आपके पास था आउटपुट यू एफ एस था आपके पास इनपुट रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज ट्रांसफर फंक्शन ठीक अब वाई ऑफ एस है आउटपुट यू एफ एस इनपुट दोनों लेप्लास डोमेन में है देर फॉर ये वाली जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ना ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होगा यानी कि सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इन टू बी प्लस डी अच्छा ये तो हो गया ट्रांसफर फंक्शन अब इसमें एक चीज़ आपने जह में रखनी है ये जो डी है ना ये आपके पास है फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स ठीक फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स ये होता है कि आप अपने प्लांट के ऊपर ही या बल्कि ये मुझे अगर मैं एग्जांपल दिखा दूं तो वो ज्यादा बेहतर है द मेन थिंग सोच से लेके किसी और जगह पे ना आप पैरेलल में एक कम्बिनेशन आपके पास लग जाता है यहाँ पे उसको फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स कहते हैं बाकी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल दिखाऊंगा ना तस्वीर इसकी मैट्रिक्स तो फिगर में तो नहीं आएगा ना मैट्रिक्स कोई ये देखो ये तस्वीर सही बनी हुई है थोड़ी सी हम इस तरह से बना रहे हैं ना यहाँ पे अब ये जो सेट पॉइंट है यहाँ से कोई इन्फॉमेसन कहीं पे आप डाल दें ये आपके पास एक फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है ठीक आप इनपुट से ही कोई जो है ना इन्फॉर्मेशन वो आके अपने प्लांट में या कंट्रोलर के बाद या कंट्रोलर से पहले किसी भी जगह पे आप डालते हैं तो आप फीड फॉरवर्ड इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड की एग्जाम्पल ये है कि आप कहीं कंट्रोलर के आगे आप पहुँच चुके हैं अपना कंट्रोलर डिज़ाइन कर चुके हैं फिर उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं अपनी रिकॉर्ड इनपुट के साथ ठीक फीडबैक क्या चीज़ होती है फीडबैक है कि जो आपकी आउटपुट है ना वो वापस इनपुट के पास आती है लेकिन जो फीड फॉरवर्ड है ना वो आप डायरेक्टली अपनी इनपुट ही अपने सिस्टम में किसी स्टेज के ऊपर इंजेक्ट करते हैं वो आपके पास फीड फॉरवर्ड होता है तो नॉर्मली हम लोग जो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मोस्ट केसेस में फीड फॉरवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता हो भी सकता है इंडस्ट्री में अगर आप बहुत ज़्यादा रोबर सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो फीड फॉरवर्ड मेट्रिकस होते हैं यहाँ पर लेकिन ज़ाहिर है हम लीनियर कंट्रोल पढ़ रहे हैं हम अपनी डोमेन में ही बात करेंगे नॉर्मली ये जो है ना ज़ीरो होता है अगर ज़ीरो नहीं होगा तो फिर ज़्यादा डी यहाँ पर एडअप होगा लेकिन हमारी एग्जाम्पल के अंदर नॉर्मली हम इसको ज़ीरो ले, ले लेते हैं आसानी के लिए तो अगर डी ज़ीरो होगा तो सी एस आई माइनस ए का इन टू बी ये आपके पास हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ठीक है इसकी आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये जो आपने पिछली एग्जाम्पल यहां पे की थी ना ये उधर से ए बी और सी मैट्रिसेस अगर आपको दिए यहां पे, जीरो वन है आपके पास ए बाद पिछले एग्जांपल से ये बता रहा है उसमें से ए बी और सी मैट्रिक्स से मैंने उठाए सी की जगह पे एक मैट्रिक्स डाल दिया आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ए की जगह मैट्रिक्स डाल दिया उस बी की जगह मैट्रिक्स डाल दिया तो फिर क्या हुआ इसको सॉल्व किया मैट्रिक आपको सॉल्व करने आते हैं आप इसे खुद सोल्व करें अपने तरीके से तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन वन ओवर एस स्क्ल प्लस एस प्लस वन ठीक अब ये चीज़ अब आप लोगों ने खुद करनी है नहीं हो रही मुझे बतानी है ये एग्जांपल मैंने आपको करने के लिए दी थी बाय द वे यहाँ पे भी ये जो आ रहा है ना आपके पास ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है आपने इनशाला अगली लैब में यही काम ही करना है इसी को ही स्टेट स्पेस में और फिर स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन ही कंप्यूट करना है अगली लैब इंशाल्लाह आपकी इसी चीज़ पे ऊपर ही होगी चलिए अब ज़रा आगे चलते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास स्टेट स्पेस गिवन हो ठीक स्टेट स्पेस अगर आप लोगों के पास गिवन है उससे ट्रांसफर फंक्शन किस तरह किया जाता है वो प्रोसेस है आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है सी एस आई माइनस ए का इन्वर्स इनटू बी प्लस डी अगर डी अवेलेबल है अगर डी अवेलेबल नहीं है तो सी एस आई माइनस ए का इन्वर्स इन टू बी ओके अब हम ऐसा करते हैं अब हम ज़रा ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर मेरे पास ट्रांसफ़र फंक्शन की है उससे मैं स्टेट स्पेस कैसे बनाऊँगा अगर मैथमेटिकल मॉडल की है उससे स्टेट स्पेस बनाने का प्रोसीजर तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग समझ चुके हैं मतलब ये जो हमारा पिछला लेक्चर था वो आपको आई एज्यूम के आता होगा मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला और इसके अलावा मैथमेटिकल मॉडल अभी थोड़ी देर पहले मैथमेटिकल मॉडल से स्टेट स्पेस भी हमने बना लिया अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन की हो मॉडल की वन नहीं है ट्रांसफ़र फंक्शन की हो ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टेट स्पेस आप बनाना चाह रहे हैं वो कैसे बनाएंगे उसके लिए आप यूज़ करेंगे ये वाला जो आ रहा है आपके सामने सिग्नल फ्लोग्राफ राइट सिग्नल फ्लोग्राफ आप लोग यूज़ करेंगे इसके लिए तो ये किस तरह करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ ये बहुत आसान है बहुत मजे का है आप लोगों को ये बनाते हुए भी मज़ा आएगा ये शॉर्ट आउट करते हुए भी मज़ा आएगा ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्रोसीजर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक सिस्टम है टी ऑफ एस या ये मीटिंग बी थ्री एस क्यू प्लस बी टू एस प्लस बी वन एस प्लस बी इसी तरह डिनोमिनेटर पे एस फोर प्लस ए थ्री एस थ्री प्लस ए टू एस टू प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट ये एक मतलब जनरल फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है लेट से आपके पास इसी तरह का कोई ना कोई ट्रांसफर फंक्शन है मतलब बी थ्री की जगह भी कोई कॉन्सटेंट कॉफिशेंट होगा बी टू की जगह भी कोई कॉफिशेंट होगा मतलब एक जनरल सी फॉर्म आप लोगों के पास आ जाती है इसमें अब आपने यूँ करना है कि सबसे पहले आपका जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो एस फोर है इसका आपके साथ इसका कोई कॉफिशियन नहीं होना चाहिए ठीक क्या चीज़ एस फोर का कोई कॉफिशन नहीं होना चाहिए जब आप अपना कोई सिस्टम मैं आपको दूंगा कोई ट्रांसफर फंक्शन दूंगा तो सबसे पहले आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब इसका कोई कॉफिशन नहीं होगा हाइएस्ट पावर का उसके बाद हाइस्ट पावर आपने बाहर निकालनी है और उसको डिवाइड कर देना है ठीक एस की यहाँ पर सबसे हाइस्ट पावर है फोर इस एग्जाम्पल के अंदर तो यहाँ से आप देख सकते हैं फोर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया दोनों से न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी एस फोर कॉमन निकाल लिया फिर इसको मैंने कर दिया मतलब कैंसिल आउट कर दिया दोनों को डिवाइड कर दिया अब आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद ये जो वन प्लस लिखा हुआ है ना इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं इसमें से माइनस हम लोग ले, ले लेते हैं कॉमन ठीक है तो ये आपके पास वन माइनस इंटू माइनस दिस 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 ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी ओके okay? ये मतलब सेम ही है ऊपर वाले की तरह से ही है ये माइनस माइनस जब इसको मैं खोलूँगा इस ब्रैकेट को तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा इसी तरह यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस ये कुछ आपने ना इस तरह से अपने सिस्टम के अंदर तो थोड़ी सी चेंजेस करनी है सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए ठीक ये एक तरीका है सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने का जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने अपने तरीके से किया तो ये एक आसान तरीका समझा जाता है दैट्स तो वाई हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं नॉर्म नाइस और स्टेफानी ने भी इसी को ही फॉलो किया था ये मैंने स्टेफानी से बुक की बुक से ये बनाया था तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है दैट्स वाई मैं इसी को ही फॉलो करता रहा हूँ जब आप हायर पावर्स की तरफ जाते हैं आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन हम ज़्यादा थोड़ा लिमिट ही करेंगे अपने तरीके से तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले ना इस तरह से ना एक लाइन बना देनी है आपके पास हाईएस्ट पावर है फोर तो सबसे पहले क्या मैं इसको बड़ा कर देता हूँ सबसे पहले आपने यहाँ पे एक समिंग जंक्शन लगाना है सिंपली एक डॉट लगा देना है और इसके लेफ़्ट साइड पे आपने लगाना है यू एफ एस उसके बाद इसकी हाईएस्ट पावर का डॉट ठीक हाईएस्ट पावर एस फोर है तो एक्स फोर का डॉट एक्स फोर का डॉट का हम लोग जब इंटैग्रल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स एक्स फोर यानी कि एक्स फोर डॉट से जब ये वन ओवर एस से गुजरेगा तो ये बन जाएगा एक्स फोर ठीक अब एक्स फोर को हम लोग कर देते हैं एक्स थ्री डॉट के इक्वल ठीक एक्स फोर इक्वल है एक्स थ्री डॉट के इक्वल यहाँ पे आप देख सकते हैं वन है वन का मतलब ये है कि एक्स फोर मल्टीप्लाई हो रहा है वन से और ये सीधा एक्स थ्री डॉट बन गया एक्स थ्री डॉट को हम मजीद वन ओवर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स थ्री बन जाएगा ठीक है एक्स थ्री डॉट का मतलब है एक्स थ्री का डेरीवेटिव जब इसको वन ओवर एस यानी कि इंटीग्रल से गुजारेंगे तो फिर ये एक्स थ्री बन जाएगा आप लोगों को पता है लेप्लास डोमेन में वन ओवर एस क्या होता है लेप्लास होता है इंटेग्रल का आई एज्यूम ये चीज़ आपको पता है इसी तरह अब एक्स थ्री को मैं इक्वल कर देता हूँ एक्स टू डॉट के राइट right? एक्स थ्री एक्स टू डॉट के इक्वल है यहाँ पे आपको वन नजर आ रहा है एक्स टू डॉट को मैं वन ओवर एस से गुजार दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स टू इसी तरह x2 को मैं इक्वल कर रहा हूँ x1 वन डॉट के और x1 वन डॉट को मैं वन वगैरह से गुजारूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x1 वन ओके आई होप के यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी ये थोड़ा सा आप इसको यूँ कह लें कि आपने रट्टा लगाना है या जो भी इसको आप समझ ले लाइन आपको बनानी आनी चाहिए एज इट इज़ ही क्योंकि तरीका यही है बाय द वे मेट्रिस में रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म ये बनती है एंड पे जो आप लोगों के पास बनेगा खैर ये अभी इस चीज़ की तरफ आते हैं एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले आपने लगाना है समिंग जंक्शन ठीक है समिंग जंक्शन की लेफ़्ट साइड पे आपने इसको देनी है इनपुट और उसके बाद आपने हाईएस्ट पावर का डेरिवेटिव लिखना है इधर फिर उसको इंटीग्रेट करके उसका एक स्टेप नीचे फिर उसको इक्वल करना है एक्स थ्री डॉट के मतलब यहाँ पे अगर एक्स फोर है तो इसको मैं इक्वल कर दूँगा एक्स थ्री डॉट के या एक्स थ्री है इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ एक्स टू डॉट के या एक्स टू है इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ एक्स वन डॉट के ठीक है इस तरह से आपने ना ये सारा का सारा बनाते चले जाना है अब ये देखो यहाँ पे जहाँ पे एक्स फोर है इधर सम घुमा फिरा के एस एस टू पावर माइनस वन है ठीक क्योंकि अभी एक ही एस गुजरा है जब मैं एक्स थ्री तक पहुँचूँगा मैं जहाँ पे माउस क्लिक कर रहा हूँ इसको देखो यहाँ पे घुमा फिरा के एस एस टू पावर माइनस टू है ये पहला एस हो गया ये दूसरा एस हो गया तो यहाँ पे घुमा फिरा के एस एस टू पावर माइनस टू है इसी तरह एक्स टू पे एक्स एस एस टू पावर माइनस थ्री है और एक्स वन पे एस एस टू पावर माइनस वन है सही उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ उसके बाद मैं यूँ करता हूँ कि ऊपर मैं लगा देता हूँ वाई ऑफ एस मैंने अभी आपको बताया कि एक्स फोर के ऊपर एस एस टू पावर माइनस वन है यानी कि x4 फोर के ऊपर एस टू पावर माइनस वन का कॉफिशियंट क्या है b3 थ्री दैट मीन्स एक्स फोर से लेके y ऑफ s तक मैं लगा दूंगा b3 x3 के ऊपर s रेस्ट टू पावर माइनस टू है दैट मीन्स x3 से लेके y ऑफ s पर मैं s रेस्ट टू पावर माइनस टू का कोफिशियंट लगा दूंगा जो कि है b2 ठीक ये वीडियो आपको पॉज करके बार बार देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा घूमने वाले हैं ज़रा मुझे पता है इस बात का कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ट्रस्ट में आपको समझ में आ जाएगी कोई मुश्किल नहीं है इसी तरह एक्स टू पर आप देख सकते हैं एस एस टू पावर माइनस थ्री बन रहा है क्योंकि ये पहला एस ये दूसरा एस ये तीसरा एस एक्स टू पर तो एस एस टू पावर माइनस थ्री के साथ कॉफिशेंट है बी वन तो बी वन को मैं कनेक्ट कर दूंगा ऊपर वाई ऑफ एस के साथ और सिमिलरली जो बी नॉट है जो कि एक्स वन तक आ रहा है एस एस टू पावर माइनस फोर तक इसको मैं एक्स वन के साथ कनेक्ट कर दूंगा वाई ऑफ एस और एक्स वन को आई होप कि ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर ये आपको समझ में आ चुका होगा अब यही कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं डिनोमिनेटर के साथ ठीक यू ऑफ एस और समिंग जंक्शन के दरमियान में आपके पास वन यहाँ पे मैंने बनाया था वन माइनस नेगेटिव ऑफ ए थ्री नेगेटिव ऑफ ए टू नेगेटिव ऑफ ए वन नेगेटिव ऑफ ए नॉट ठीक और प्रोसेस वही है ये वन ये तो समिंग जंक्शन में आ गया इसी तरह एस एस टू पावर माइनस वन के साथ जो कॉफिशियंट है वो है माइनस ए थ्री ये आ गया माइनस ए थ्री एस एस टू पावर माइनस टू के साथ कॉफिशेंट क्या है माइनस ए टू इसी तरह एस एस टू पावर माइनस थ्री के साथ जो कॉफिशियंट है वो है माइनस ए वन और एस एस टू पावर माइनस फोर के साथ जो कॉफिशेंट है वो है माइनस ए नाट आई होप के यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी कि ये ग्राफ मैंने किस तरह से बनाना है अब आगे वही आपका फेवरेट काम शुरू हो रहा है वो क्या है यहाँ से किसी तरह स्टेट स्पेस मॉडल डिराइव करने की हम लोग कोशिश करते हैं अभी क्या हमने ऐसे किया था x1. वन डॉट को x2 के इक्वल x2. टू डॉट को x3 के इक्वल x3. थ्री डॉट को x4 के इक्वल ज़रा देखो इधर ये मैं एडोब एक्रोट में नहीं बनाता क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो वो हैंग हो जाता है तो ये मुझे मजबूरन गूगल क्रोम में खोलना पड़ता है तो यहाँ पे ना ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में ज़रा मसला आता है अच्छा देखो x1 वन डॉट एक्स टू पे एक था ठीक यहाँ पे आपके वन नज़र आ रहा है तो मैंने लिखा था एक्स वन डॉट इजिकल टू एक्स टू इसी तरह एक्स टू डॉट इजिकल टू एक्स थ्री एक्स थ्री डॉट इज इक्ल टू एक्स फोर ज़रा याद करो अभी थोड़ी देर पहले यह वीडियो दोबारा देखो यहाँ पे तो यही कार्रवाई मैंने यहाँ तक की है एक्स वन डॉट इजिकल टू एक्स टू एक्स टू डॉट इज एक टू एक्स थ्री एक्स थ्री डॉट टू एक्स फोर ये एक्स वन डॉट जो है ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन है ठीक लेकिन उसी को मैंने लिख दिया था कि भाई एक्स वन डॉट एक्स टू के कॉल है अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर इस तरह की ही कार्रवाई की है और अब जरा इधर आ जाओ एक्स फोर डॉट किस चीज़ के एक है ये ज़रा देखने वाली बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर जो है ना एक समिंग जंक्शन आ रहा है एक्सक्यूज़ मी खोलना ज़रा क्या हाल चाल है इधर हमारे पास। अच्छा चाहिए तो तुम अली को दिखा देना तो। भी अली को समझ ना मैं तो किसी हिसाब से पूछूंगा अभी मैं क्लास ले लूँगा उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ ठीक है, है? चलो थैंक यू सॉरी होता है यूनिवर्सिटीज में एक्स फोर डॉट पता है किस चीज़ के एक है X4 फोर डॉट के ऊपर ना ये पूरे का पूरा समिंग जंक्शन आ रहा है ठीक है X4 फोर डॉट इस समिंग जंक्शन के इक्वल है राइट right? ऊपर तो हमने काम ज़्यादा सिंपल कर दिया था कि भाई X1 वन डॉट को मैंने कह दिया था X2, X2 टू डॉट को मैंने कह दिया था X3, X3 एक्स डॉट को मैंने कह दिया था X4, X4 फोर डॉट जो है ना वो इस समिंग जंक्शन के इक्वल है और यहाँ पे क्या कुछ आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनपुट आ रही है यू ऑफ एस दूसरा आ रहा है माइनस ए थ्री एक्स फोर माइनस ए टू एक्स थ्री माइनस ए वन एक्स टू माइनस ए नॉट एक्स वन ये सारे के सारे इस समिंग जंक्शन के ऊपर ऐड हो रहे हैं ठीक है इस समिंग जंक्शन पे पांच चीज़ें आ रही हैं ठीक एक आ रही है एक्स वन का कोफिशंट एक्स टू और उसका कॉफिशियट एक्स थ्री और उसका कॉफिशेंट एक्स फोर और उसका कॉफिशियंट ये चार चीज़ें और इसके साथ u ऑफ एस ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया एक्स फोर डॉट इज इक्वल टू समिंग जंक्शन में जो जो चीज़ें भी आ रही थी वो सारी की सारी माइनस ए नाट एक्स वन माइनस ए वन एक्स टू ए टू एक्स थ्री ए थ्री एक्स फोर ये सारे के सारे रला मिला के ओके उसके बाद जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में इसको समझने की कोशिश की इसी को इन चार इक्वेशंस को हम लोग अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जब मैं इन मैट्रिसेस को आपस में इन कंडीशंस के मुताबिक मल्टीप्लाई और ऐड करूँगा आपके पास ये चार इक्वेशंस ही बनेगी ठीक तो क्या है एक्स वन डॉट एक्स प्लस बी यू बनाना है ये चीज़ें मैं रखो एक्स प्लस बी यू बनाना है तो एक्स प्लस बी यू बनाने का मतलब ये है कि एक्स वन डॉट इज इक्वल टू जीरो एक्स वन प्लस वन एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री प्लस ज़ीरो एक्स फोर प्लस ज़ीरो यू ओके एक्स वन का कोफिशियंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है एक्स टू का कोफिशेंट इधर वन है एक्स थ्री का भी जीरो एक्स फोर का भी जीरो इसी तरह यू ऑफ एस का भी जीरो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वन काफिशेंट जीरो एक्स टू का कोफिशेंट वन एक्स थ्री का भी ज़ीरो एक्स फोर का भी ज़ीरो इसी तरह यू का भी जीरो ठीक इसी तरह ये जो एक्स टू डॉट है यहाँ पे एक्स वन का कोफिशेंट जीरो एक्स टू का कोफिशेंट जीरो एक्स थ्री का कोफिशेंट वन x4 का कोफिशेंट जीरो इसी तरह u का भी जीरो अब देखो इधर x1 का कॉफिशेंट जीरो x2 का ज़ीरो x3 का वन x4 का जीरो इसी तरह u एफ एस का भी जीरो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एज इट इज इक्वेशन बन जाएगी इसी तरह से ओके अब ये जो आखिरी वाली इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम वेरिएबल्स का कोफिशेंट बन रहा है माइनस ए नॉट एक्स वन के साथ है माइनस ए वन एक्स टू माइनस ऐ टू एक्स थ्री और माइनस ऐ थ्री एक्स फोर इसी तरह यहाँ पे यू of एस भी है तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वन आ चुका है तो अजीज हम वतनों ये जो आपके पास स्टेट स्पेस की पहली इक्वेशन होती है एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू ये आपके पास उसका स्टेट स्पेस मॉडल बन चुका है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपके पास आ चुके हैं यहाँ पे ठीक है ये मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है सिमिलरली जो आपके पास आउटपुट इक्वेशन होती है न वाईज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू ये भी यहाँ पर बना लेते हैं भाई आउटपुट पर आप देख सकते हैं वाई ऑफ एस इक्वल टू ये ही सारे के सारे आ रहे हैं एक्स वन इंटू बी नॉट एक्स टू इंटू बी वन एक्स थ्री इंटू बी टू एक्स फोर इंटू बी थ्री क्वाइट सिम्पल बी नॉट एक्स वन बी वन एक्स टू बी टू एक्स थ्री बी थ्री एक्स फोर सिंपली ये तो बड़ा आसान है आराम से यहाँ पे दूसरी कोशन तो है नहीं लिहाजा दूसरी रोज़ भी नहीं बनेगी तो बड़ी आराम से आप देख सकते हैं इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया इसको अगर दूसरे यहाँ पे होते ना मतलब यहाँ पर तो एक ही वाई ऑफ एस है अगर कोई दूसरा आउटपुट भी होता वाई टू ऑफ एस वाई थ्री ऑफ एस होता तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रोज़ जो है ना इधर ऐड होती चली जाती आई होप ये चीज़ें आपको मैट्रिक्स की बेसिक्स हैं ये आपको पता होंगी तो आपने प्लीज़ प्लीज़ अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे ये एक दिया दुआ छोटी सी एग्जांपल। यहाँ पे सिर्फ तीन ही आपके पास वेरिएबल हैं एक्सट्री डॉट तक ही आ रहा है तो इसकी आप अभी प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मुझे बताएं। ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कर ली तो ये आप लोग इसको प्लीज़ देखें और मुझे फ़ोन बताएं नेक्स्ट लैब आपकी स्टेट स्पेस के ऊपर ही होगी थैंक यू सो मच